हेलो एवरीवन, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। ए वार्म वेलकम ऑन डिजिटल इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म ऑफ सीएलसी सीकर। और इस प्लेटफॉर्म पे सीएलसी आपको प्रोवाइड कर रहा है रैपिड रिवीजन क्लासेज, इट मीन क्विक रिकैप ऑफ एनसीईआरटी। यानी इस पेंडेमिक में जो बच्चे परेशान से हैं, थोड़े असमंजस में हैं कि हम कैसे अब एनसीईआरटी को कवर करें, कैसे हम पूरा रिवाइज करें, बायोलॉजी को ऑन टिप्स कैसे करें, और 2021 में एक सुपर रैंक कैसे लेके आए, 2021 में इंडिया के मैप पे एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएं। तो इसके लिए सीएलसी ने आपके लिए शुरुआत की है ये रैपिड रिवीजन क्लासेज, जिसको नाम दिया है क्रैश कोर्स, ए डिजिटल क्रैश कोर्स। और इस डिजिटल क्रैश कोर्स में हम प्रत्येक टॉपिक को स्लाइड्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, एनसीईआरटी को कवरेज करते हुए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कंसेप्चुअल और इंटरेक्टिव आपके लिए बनाया है। और एक एक लाइन को हमने अब इसमें ध्यान रखा है, नीट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, यहाँ तक कि केवीपीआई और ओलंपियाड में भी इससे बाहर नहीं होगा। और बिल्कुल आपको एनसीईआरटी अपने सामने रखकर, अगर आप इन वीडियोज को देखते हैं तो जितने भी आपके अच्छे मित्र हैं उन सबको सजेस्ट करना चाहिए, सीएलसी हमेशा आपके साथ है। और इस इंटरेक्टिव क्लास के इस एपिसोड में, इस डिजिटल क्लास के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को अपन डिस्कस करने के बाद साइटोस्केलेटन, और उसके बाद आप जानते कि राइबोसोम या सेंट्रियोल, ये सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनलीज माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं दोहरी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज। तो आप समझ सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, कोशिका द्रवी दोहरी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं। कई बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, पुराने बुक्स को पढ़ते हैं, पुराने कंसेप्ट को, या आप जानते हैं कई भाई लोग पुराने कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वो न्यूक्लियस को भी सेल ऑर्गेनलीज कंसिडर करते हैं डबल मेम्ब्रेनस, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो डबल मेम्ब्रेनस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। डबल मेम्ब्रेनस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दोहरी झिल्लीयुक्त जीवद्रव्य कोशिकांग है, और आप समझ सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनलीज हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप समझ सकते हैं सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, यस, और सिंगुलर क्या है माइटोकॉन्ड्रियोन, माइटोकॉन्ड्रियोन कणिका, यस बिटू। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोलिकर, यानी सबसे पहले इसको देखा था या रिपोर्टेड किया था कोलिकर ने, और ट्रम माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय सी बेंडा, ये ट्रम बेंडा ने प्रोवाइड की थी, यस। अपन कह सकते हैं बेटा कि सूत्र कणिका को बिना अभिरंजन के अपन स्पष्ट नहीं दे सकते। जनरली अपन सूत्र कणिका का व्यास माइक्रोमीटर में होता है तो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन बिना अभिरंजन के नहीं देख सकते हैं, क्लियर। अतः इसे जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित करते हैं, एक डाई है जेनस ग्रीन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जेनस ग्रीन से अपन इसको अभिरंजित करते हैं, और उसमें भी जेनस ग्रीन बी से, तो ये अपन को बिल्कुल क्लियरली माइक्रोस्कोप में नजर आता है, ठीक है। और आप जानते हो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से खूब संख्या में होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं बेटा कि प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होता है, भाई प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज कभी नहीं होता। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो सकती है, झिल्ली में संरचना हो सकती है, लेकिन झिल्ली से परिबद्ध कोई भी कोशिकांग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोकैरियोट में सिंगल एनवलप सिस्टम होता है, इनसाइड कोई एनवलप नहीं होता, और यूकैरियोट में टू एनवलप सिस्टम होता है, एक मेन एनवलप जिसमें कितनी भी लेयर हो सकती है, और इनसाइड आपके एनवलप होते हैं, पैकेट्स होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, श्रम का विभाजन होता है। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन में 100% आप जानते हो कि एब्सेंट, सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट, प्लांट एनिमल, जनरली आप जानते हो सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट, प्लांट एंड सेल हो, एनिमल हो या फंजाई हो, ठीक है ना, यानी प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में, क्लियर है। आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोट में तो केवल दो ही अपवाद है, ह्यूमन आरबीसी और सी ट्यूब सेल में ये एब्सेंट है, इन्यूक्लेटेड होती है इरिथ्रोसाइट ह्यूमन आरबीसी, और आपने कहा था कि ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वहां पर होती है, और सी ट्यूब सेल जो चालनी तत्व होते हैं वहां पर भी नहीं होता। आप समझ सकते हैं फिर बेटा, बाकी आप जानते हैं कि हर यूकैरियोट सेल में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे फंजाई हो, यस। आप समझ सकते हैं कि सूत्र कणिका का आकार, आकृति और संख्या में प्रति कोशिका में विविधता दर्शाता है। आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही बहुत ड्रामेटिकली चेंज, यानी एक सेल के अंदर
माइटोकॉन्ड्रिया आकार आकृति और संख्या में विभिन्नता दर्शाता है। ये डिपेंड किस पे करता है? सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे, कार्य की गतिविधियों पे, कि सेल की गतिविधि क्या है। जैसे प्लांट से ज्यादा एक्टिव होती है एनिमल सेल, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू प्लांट। अब प्लांट में भी दो टाइप की सेल होती है, मेरिस्टेम सेल है विभजोतक, अत्यधिक सक्रिय तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, और स्थायी कोशिका है परमानेंट सेल है तो थोड़ी पेशी होती है वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी। और एनिमल सेल में भी जैसे मान लो मसल सेल्स है, सबसे ज्यादा जो फ्लाइट मसल सेल्स होती है बर्ड्स की, सबसे ज्यादा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्लियर बेटा? क्योंकि इसको तो एनर्जी प्रोवाइड करना है। यस, अपन आगे जाकर पढ़ेंगे कि फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन है, फिर जो एनर्जी है उसको करेंसी ऑफ एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोरेज। क्लियर है ना? तभी तो आप जानते हो ना पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। यस बेटू, आप समझ सकते हैं कि कोशिका के प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो आपको मैंने बता दिया कि प्लांट में भी, वैसे कंपेरेटिव प्लांट में कम है लेकिन विभजोतक में ज्यादा, स्थायी में कम, फिर एनिमल में ज्यादा, लेकिन एनिमल में भी अलग अलग सेल में संख्या अलग अलग हो सकती है और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वो संख्या बढ़ी जाती है। क्लियर है? फिर देखो टिपिकली इट इज सोसेज सैप और सिलेंड्रिकल। यस, ये किस सैप का होता है? सोसेज, तस्त्रीनुमा बोलते हैं अपन। सोसेज सैप को अपन बोलते हैं तस्त्रीनुमा, एक बहुत अच्छा वर्ड है। सोसेज सैप या सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है और इसका व्यास डायमीटर कितना है भाई? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, यानी एवरेज कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर। एवरेज आपसे पूछ ले तो 0.5 माइक्रोमीटर, वैसे आप समझ सकते हो 0.2 से 1। और लेंथ क्या है इसकी? 1 to 4.1 होता है, 1 to 4 माइक्रोमीटर। इट मीन आपकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है और डायमीटर कम है, तभी तो सोसेज सैप या सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आपके सामने सारी बातें आपकी ये क्लियर हो गई हैं। यस, और इजी वे में अपन नेक्स्ट स्लाइड टू स्लाइड एक एक चीज पे, इसके अब अपन स्ट्रक्चर पे और भी जो इसके इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं अच्छे अच्छे वो सारे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिएगा। हाँ देखो, ये सेल है, बिल्कुल देख रहे हो ना, एकदम 3D डायग्राम। ये देखिएगा, आपको मैं बताऊं कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो भी क्रोमेटिन क्रोमोजोम, फिर देखो ER है ना, और गोल्जी बॉडी वही। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया 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 और माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ये एनिमल सेल है क्योंकि देखो ये माइक्रोविलाई को बता रखा है। यस, लाइसोसोम को बता रखा है। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और पावर हाउस ऑफ सेल और डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल जो इसका नंबर है, ठीक है ना। और ये आपको पूरी एक सेल नजर आ रही है। यस, एक एक पॉइंट को आप देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, एक एक बात पे जाएं। जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, अपन बताएंगे कि डबल मेम्ब्रेनस, ये मेम्ब्रेन होगी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यस, ये होगी जो इनफोल्डेड है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और स्किन फोल्डिंग से ये क्या बन रही है? क्रिस्टी। यस, ये सारी बातें आपको अपन शो करेंगे, लेकिन आप एक एक चीज को बहुत गहराई से देखें, एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ें, QR कोड क्वेश्चन को ध्यान दें जो न्यू एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप करें, CLC आपके साथ है। ये जो बिल्कुल पैनल पे, ये आप समझ सकते हैं कि पैनल पे ये जो क्लासेज आपके लिए हैं, रैपिड रिविजन क्लासेज हैं, क्विक रिविजन है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए और आपका क्विक रिविजन करा दिया। A to Z लाइन, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसे आया, यहाँ तक कि KUPI और ओलंपियाड में भी क्वेश्चन कैसे आया, वो सारा आपके सामने हम क्लियर कर रहे हैं। यस, थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्सपेंड करके भी, ताकि सारे क्वेश्चन डाउट्स आपके क्लियर कर दें। इसलिए आपके जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जितने आपके दोस्त हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि क्लासेज उनको ज्वाइन करवानी चाहिए। यस बेटू, ध्यान दीजिएगा, अपन देखिएगा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? स्ट्रक्चर संरचना तो देखिएगा, आराम से आपके एनसेट में डायग्राम दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, ये देखो आउटर बाउंड्री है OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये OMM होगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इनफोल्डिंग कर रही है। ये लो जी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो OMM है, OMM, आप समझ सकते हैं कि जो OMM है
इसमें जगह जगह पे पोरिंस होते हैं, पोरिंस वाटर चैनल जो पोरिंस होते हैं, चैनल प्रोटीन, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अधिक पारगम्य है, परमेबल ज्यादा है लेकिन कम चयनात्मक है, ठीक है। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो कम पारगम्य है लेकिन अधिक चयनात्मक है, सिलेक्टिव। क्यों? आप समझ सकते हैं कि यहाँ 60% प्रोटीन 40% लिपिड होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये IMM, इसमें आप 80% प्रोटीन और 20% लिपिड होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्रिस्टी होगी, ये इसका होता है मैट्रिक्स, जहां बहुत सारे मटेरियल अपन आगे बताएंगे। तो आपको भी इतना सा बताया कि देखो, और ये इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन से आपकी क्रिस्टी, तो क्रिस्टी रियली में है क्या, आपसे क्यों सुना जाए, क्रिस्टी इज इन फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और फिर आप जानते हो कि उसकी जेल लाइक मैट्रिक्स है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी जो उसकी मैट्रिक्स है, क्लियर है। तो ये आपके सामने डायग्राम, और देखिएगा इससे मैं आपको क्या शो करना चाह रहा हूं, ये लीवर सेल का है, ठीक है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी ने बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कर रखा है। ये होता है माइक्रोग्राफ, जनरली बिना स्टेनिंग के माइक्रोस्कोप के अंदर अपन माइक्रोग्राफ लेते हैं तो ऐसा आपको नजर आता है। तो देखिएगा ये भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर जो आपको लाइनें नजर आ रही है क्रिस्टी है, ठीक है। ऐसे अपन डिफरेंट डिफरेंट सेल में लेंगे तो क्रिस्टी का थोड़ा विन्यास अलग अलग आएगा, यस बेटू। तो बहुत अच्छे से, तो आपके सामने मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम दिया, तो डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स है, दो झिल्ली है, आउटर बाउंड्री OMM है, इनर बाउंड्री IMM है। फिर जो इनर बाउंड्री है वो इसके अंदर से दो एक्वस चैम्बर में डिवाइड करती है, ये मैट्रिक्स, और आप जानते हैं कि PMS, यानी दोनों के बीच का जो स्पेस है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन दो एक्वस चैम्बर बनाती है, PMS, और आप समझ सकते हैं इनसाइड आपका जेल लाइक मैट्रिक्स, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अंदर के इंटीरियर पार्ट को दो जलीय कक्षकों में एक्वस चैम्बर में डिवाइड करती है, PMS और जेल लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आप जानते हो कि क्रिस्टी के ऊपर आप जानते हो कि ऑक्सीसोम होते हैं, F1 पार्टिकल जो आपके होते हैं, F0F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम, वो सारा अपन आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ रिलेटेड बातें और बता देते हैं, तो इससे अपन रिलेटेड बातें करेंगे। तो देखो इस माइटोकॉन्ड्रिया में इनसाइड जो मैट्रिक्स होती है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, जहां 500 मिलीग्राम पर ml जो एंजाइम्स वहां पर पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक सिंगल द्विसूत्री वर्ताकार DNA, नग्न वर्ताकार DNA जो बैक्टीरियल सेल में होता है, DS सर्कुलर DNA, यस, कई RNA और 70S राइबोसोम, क्योंकि अपन आगे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति बैक्टीरिया सेल से हुई थी एंडोसिम्बायोटिक टेक्निक के द्वारा, यस। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसके मैट्रिक्स में है। सूत्र कणिका में स्वयं की प्रोटीन मशीनरी, एंजाइम या प्रोटीन मशीनरी, DNA RNA और राइबोसोम आ गया ना, तो ये कुछ एंजाइम खुद संश्लेषित कर सकता है, देखिएगा ये कुछ एंजाइम स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होता है, लेकिन अधिकांश एंजाइम के लिए कोशिका द्रव्य के राइबोसोम पे, क्योंकि DNA से mRNA कोशिका द्रव्य में एंजाइम बनेंगे फिर आएंगे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो श्वसन के अधिकांश एंजाइम है, लेकिन कुछ एंजाइम खुद भी संश्लेषित कर सकता है क्योंकि स्वयं की प्रोटीन मशीनरी रखता है। इसलिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन, अतः सूत्र कणिका को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटू, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, क्लियर, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, यानी ये आधा स्वायत्त है, कुछ खुद बना सकता है लेकिन कुछ के लिए डिपेंड भी है, यस। और देखिएगा कि यहां मैं आपके सामने अब वो डायग्राम वापस से रिप्रेजेंट करता हूं कि देखो बेटू, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, सोसेज या सिलेंड्रिकल सेप, ठीक है। तो ये आपकी आउटर बाउंड्री हो गई, OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अपन कहेंगे अधिक पारगम्य, अधिक पारगम्य और कम चयनात्मक, अधिक पारगम्य कम चयनात्मक, 60% प्रोटीन 40% लिपिड बता दिया था आपको, ठीक है। ये आपका हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आपके ये बन जाते हैं क्या, क्रिस्टी अंतर्वलन से, ये आपकी क्या हो गई, क्रिस्टी,
यस बेटा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये आपकी हो गई IMM, और IMM कम पारगम में अधिक चयनात्मक, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, 80% प्रोटीन, 40% लिपिड। दोनों मेम्ब्रेन के जो बीच का स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दो या PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहां आप समझ सकते हैं कि यह आपकी हो गई जेल लाइक कंसिस्टेंसी, यानी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दो एक्वस चैम्बर, PMS और मैट्रिक्स। तो यह आप समझ सकते हो कि जेल लाइक, जेली के समान, जेल लाइक कंसिस्टेंसी, क्योंकि यहां जल में घुलनशील, आप समझ सकते हो कि कई सारे एंजाइम हैं। अब यहां देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ, यानी एक DS सर्कुलर DNA, तो आप समझ सकते हो कि नेग्ड, नग्न वर्ताकार, तो नेग्ड DS सर्कुलर DNA, ठीक है। फिर आप समझ सकते हो कि कई सारे RNA, आराम से देखना, इस पेन से थोड़ा कम नजर लेंगे, RNA आपको नजर आ रहे हैं, ठीक, RNA। और फिर आप समझ सकते हो कि राइबोसोम, तो यहां होता है 70S राइबोसोम, तो प्रोटीन मशीनरी होगी कि नहीं होगी, ये RNA हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बेटू, यस। और यहां जेल लाइक कंसिस्टेंसी, तो इसमें आप समझ सकते हो कि 500 मिलीग्राम पर ml, यहां एंजाइम है और कई सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं कि यहां इस जेल लाइक कंसिस्टेंसी के अंदर ये आप समझ रहे हैं कि क्रेब्स चक्र के एंजाइम हैं, लिंक रिएक्शन के, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम हैं इसके अंदर, ठीक है। अदर वसाओं के बीटा ऑक्सीडेशन के एंजाइम हैं, वो सारे एंजाइम हैं, ठीक है। फिर आप समझ सकते हो कि देखिएगा यहां इस क्रिस्टी पर, यहां आपके होते हैं F1 पार्टिकल या ये ऑक्सीसोम, और आगे जाकर अपन बताएंगे कि ऑक्सीसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस फॉर्म में होती है, ये हेड होता है, ये स्टाक होता है, व्रंत होता है, और ये बेस होता है, बेस पे F0, यहां पर आपका होता है F1, ये प्रोटोन चैनल है, इंटीग्रल वो पेरिफेरल है, यस, कैटालिटिक नेचर का है, तो ये ऑक्सीसोम हो गया, ठीक है। यहां आप देखते हैं कि भाई पोरिन्स हैं, पोरिन्स इसके अंदर, पोरिन्स हैं, क्लियर है। तो आपको सारी बातें क्लियर कर दी, खुद की प्रोटीन मशीनरी, सेमी ऑटोनोमस, सारी बातें आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, ये पूरा स्लाइड आपका तैयार हो गया इजी वे के अंदर बेटू। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, और देखिएगा स्पेशल पॉइंट में सूत्र कणिका की स्वतोत्पत्ति नहीं होती, यानी स्वतोत्पत्ति को आप बोलते हो डी नोवो ओरिजिन, सूत्र कणिका की कभी भी डी नोवो ओरिजिन, यस, यानी स्वतः उत्पत्ति नहीं होती। बहुत बेस्ट कंसेप्ट है KUPI या ओलंपियाड का। तो देखो स्वतः उत्पत्ति, जैसे ER, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो डिसअपेयर हो जाएगी फिर अपीयर हो जाएगी, वो होती डी नोवो ओरिजिन। कोई भी ऑर्गेनिज डिसअपेयर हो जाए फिर उसका जो रॉ मटेरियल होता है उससे वापस रीअपेयर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब सेल डिवीजन भी होता है ना तो पुत्री कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया, मात्र कोशिका से प्राप्त होता है, और फिर अगर सेल की एक्टिविटी ज्यादा है तो वो उसको बाइनरी फ्यूजन से और बढ़ा लेता है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सूत्र कणिका की स्वतः उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात नवनिर्मित पुत्री कोशिकाओं को सूत्र कणिका सदैव अपनी मात्र कोशिकाओं से प्राप्त होता है, ठीक है। और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया अराइज फ्रॉम डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, पहले से स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में डिवीजन से आता है और बाइनरी फ्यूजन शो करता है, सूत्र कणिका बाइनरी फ्यूजन दर्शाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप समझ सकते हो कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि सूत्र कणिका की उत्पत्ति एक एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा एरोबिक हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंतर्ग्रहण के पश्चात हुई। आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रोकेट से यूकेरियोट का ओरिजिन हुआ, जब एक प्रोकेट सेल ने जो हेटरोट्रोफिक था एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया तो इनसाइड प्रिमिटिव न्यूक्लियर एनवेलप और फिर माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, तो एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल। और ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर उसने साइनोबैक्टीरिया को इनसाइड लिया तो थाइलेकोड से क्लोरोप्लास्ट बनकर प्लांट सेल बन गई, तो प्लांट के एनिमल जो यूकेरियोटिक सेल वो प्रोकेट सेल से आई। और स्पेशली आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन तो उस बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया
को दूसरे बैक्टीरिया की इंजेस्ट से हुई, इसको आप कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक टेक्निक। तभी तो बैक्टीरिया में पोरिन है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, डीएस सर्कुलर डीएनए है, डीएस सर्कुलर डीएनए 17 राइबोसोम है, 17 राइबोसोम है कि नहीं है, आप समझ सकते हैं, खुद की प्रोटीन मशीनरी है, खुद की प्रोटीन मशीनरी है। यस, अब देखो कि एंडोसिम्बायोसिस इन नटसेल, यहां बता दिया, जनरली आप जानते हो कि ये बैक्टीरिया देखो स्टार्ट विद टू इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया है, वन बैक्टीरियम एनगल्फ द अदर, तो दूसरे ने एरोबिक जिसमें मीजोसोम था तो एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, ले लिया अंदर, अब वन बैक्टीरियम नाउ लाइव इनसाइड द अदर, एक दूसरे के अंदर चला गया ना, अंदर चला गया, अंदर जाकर आप जानते हो कि न्यूक्लियर एनवलप, अब देखो दोनों बेनिफिट अरेंजमेंट करते हैं, फिर आगे बाइनरी फ्यूजन से संख्या बढ़ती जाती है और वो जनरेशन से जनरेशन, और वो यूकेरियोट सेल भी बन गई, माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हो गई थी, और यूकेरियोट तभी तो बन पाई जब न्यूक्लियर एनवलप भी आ गया और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आ गए। यस बेटू, तो मस्त, एकदम सारी बात आपके सामने क्लियर कर दी। और अब आप लास्ट समझ सकते हैं कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात होगी, क्लियर है ना, तो देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उनकी बात होगी, तो वहां देखिएगा फंक्शन यानी कार्य क्या है, बहुत सारे कार्य, जो फैट होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन है, जब क्रेब्स साइकिल वहां पर होता है तो कई इंटरमीडिएट अदर वेरियस केमिकल के सिंथेसिस में यूज होते हैं, एम्फीबोलिक प्रोसेस। लेकिन अगर अपन सबसे मेन फंक्शन पे जाएं, सबसे की पॉइंट पे जाएं, तो आप समझ सकते हो द माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकेरियोटिक सेल, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन के स्थल हैं, स्पेशली लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में, और जो ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, वो इनर मेम्ब्रेन में विभिन्न भागों में गुजरता हुआ फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATPase आएगा, ATP सिंथेज, तो वो प्रोटॉन प्रणता बन जाती है, वो प्रोटॉन जब वहां से गुजरते हैं, हाँ ना, F0 प्रोटॉन चैनल से F1, तो वो कैटालिटिक नेचर का, तो ADP IP ATP फॉर्मेशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, उनमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में यूज करके बाद में आप जानते हैं कि वो एनर्जी कैसे ATP के रूप में स्टोर्ड हो जाती है, करेंसी ऑफ एनर्जी के रूप में, तभी आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा फंक्शन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, देखो ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ देखिएगा ये बेटा ये ग्लूकोज है, ये साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में ये जो हेक्सोसुगर ग्लूकोज, तो पहले इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, 10 रेखीय श्रृंखलाओं के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रम होता है जिसमें ना तो O2 लगती है ना CO2 निकलती है, एनारोबिक और एरोबिक का कॉमन प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, और ये ग्लूकोज हेक्सो शर्करा पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाती है। यस, तो पाइरुविक एसिड में टूट गई। अब इस पाइरुवेट का फ्यूचर डिपेंड करता है कि आगे O2 अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो एनारोबिक फर्मेंटेशन हो जाता है, और अगर O2 अवेलेबल है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो फिर यूकेरियोट में ये पाइरुवेट पोरिन्स के थ्रू चैनल प्रोटीन के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और वहां देखिएगा ये पाइरुवेट आपको बता रखा है कि पहली बार CO2 रिलीज होगी, यहां तो देखिएगा 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना देता है, तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड, बस ओनली पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, NADH2 बनते हैं 2, बाकी देखो ये पाइरुवेट जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो फर्स्ट लिंक रिएक्शन 1 पाइरुवेट से 3 कार्बन के 1 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन के 1 मॉलिक्यूल से 2 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, ठीक है, और वो देखो वसाओं के या वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन से भी आ सकता है एस्टाइल कोएंजाइम, चाहे कार्बोहाइड्रेट से आए इस पाथवे से, या वसाओं के बीटा ऑक्सीडेशन से आए फैटी एसिड का, आप समझे, कैसे भी आए, फिर एस्टाइल कोएंजाइम से चलता है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल में एक टाइम में एक एस्टाइल कोएंजाइम, तो यहां देखिएगा 2 पाइरुविक बने तो 2 पाइरुविक से 2 एस्टाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो फिर 2 एस्टाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज के रेफरेंस 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा, और जब भी ऐसा होता है तो कई जगह ऑक्सीडेशन होता है, वहां से क्रियाधार से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, NAD उसको गेन करता है क्योंकि वो कैटाबोलिक एक्सेप्टर है, और NADH2 बन जाते हैं, फिर वो NADH2 जो कॉम्प्लेक्सेज हैं तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जाते ही तुरंत वो प्रोटॉन को लेती है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन H2O बन जाता है, और इस दौरान आप जानते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाती है, प्रोटॉन प्रणता हो जाती है, फिर प्रोटॉन मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते क्योंकि 4 आयन है, तो फिर फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आता है ATPase, ATP सिंथेज, जहां आप समझ सकते हो कि ये देखो ATP सिंथेज, तो ये F0 प्रोटॉन चैनल है जो इंटीग्रल है मेम्ब्रेन में है, और ये F1 जो कैटालिटिक नेचर का हेड है, फिर यहां से ये प्रोटॉन जाते हैं, जब ये प्रोटॉन जाते हैं तो प्रोटॉन चार्ज हाई से लो की ओर जाता है, तो बहुत सारी एनर्जी, तो एनर्जी होती है तो ADP + IP ATP, इसको आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
तो ATS के थ्रू जितनी भी ATP बनती है उसको आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस में दो जगह पर डायरेक्ट ATP बनती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो 2 × 2 = 4 SLP और एक रैप में एक डायरेक्ट, तो 2 में 2 तो 6 SLP, उसमें 2 खर्च हो जाती है, 4 SLP रहती है, बाकी टोटल 34 जो ATP होती है ना वो ETS के थ्रू ही बनती है, 34 और 4 = 38। खैर ये सारा आपको हम फिजियोलॉजी में जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे जब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। थोड़ा बहुत कम भी आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ केवल माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और फंक्शन को ध्यान में लेना है, वहाँ जाकर रेस्पिरेशन पढ़ोगे, लेकिन मैंने पूरी चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। और मेरे क्यूट जो राजा बेटा रानी बेटी उनको एक एक चीज़ आई भी है कि उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि 2021 में टॉप रैंक हासिल करेंगे। तो आइए बेटा पूरे डायग्राम्स को आप अच्छे से ले लीजिएगा। यस, ये कंप्लीट आपको मैंने करवाया माइटोकॉन्ड्रिया। यस, और आप समझ सकते हैं कि हर लिविंग सेल, हर यूकेरियोटिक लिविंग, जो आप RBC और CUTI को छोड़ दो, बाकी चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे फंजाई हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब अपन नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, जो डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म है, दैट इज प्लास्टिड। तो आ जाइए प्लास्टिड के ऊपर। यस, तो देखिएगा लवक प्लास्टिड, क्लियर, एंड अनदर डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलीज। यस बेटू, तो देखिएगा बात करते हैं लवक, टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल, डिस्कवर्ड बाय सिंपर, ये भी डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेलीज है। ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। यस बेटू, और बिल्कुल नोट्स को मैंने इसे क्विक लाइन टू लाइन आपके सामने शोल्व किया है। आप तो नीट की बात कर रहे हैं, KVPI और ओलंपियाड में भी इसके बार क्वेश्चन आ जाए मेरी गारंटी है। आप नीट चैलेंज है मेरा, नीट 2021 में इस CLC के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं आपको चैलेंज करता हूं, 2021 का पेपर खोलना, एक सिंगल क्वेश्चन अगर इस मैटर से बाहर आ जाए तो हम गारंटी देते कि हम बच्चों के लिए जीते हैं, हम आपके लिए दर्द पालते हैं, हम मिडिल क्लास के लिए जीते हैं, कि जो बच्चे गाँव से सपने लेकर आते हैं डॉक्टर बनने का, बाबूलाल चौधरी और CLC, आप समझते हैं CLC सब कुछ है, और उसी का एक पुजारी आपके सामने मैं हूँ, और आप समझ सकते हैं क्योंकि ये मध्यम वर्ग के बच्चों के सपनों को क्लियर करती है, उनको एक नई उड़ान देती है। आप समझते झोपड़ी में बैठी खोपड़ी को ढूंढ के डॉक्टर बनाती है। यस मेरे बेटू, स्माइल कीजिए इसके साथ में, स्टार्ट करते हैं आगे बात। वही बात आ जाएगी, प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म वैसे ही नहीं होगा, और यहां तक कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी साइनो जीवाणु, यानी कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, तो पूरा ही फोटोसिंथेटिक है, वो भी ऑक्सी, लेकिन वहां पर भी लवक नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में अपने बताया था क्रोमेटोफोर, तो क्रोमेटोफोर के अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडीन है। यस, और साइनो बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था थाइलेकोइड है, बट आप जानते क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं है, क्योंकि वहां प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। यस बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने बनता है, और आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इन सम यूकेरियोट, कुछ यूकेरियोट में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, डायटम, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड, इन ऑल प्लांट सेल आप समझ सकते हैं पाए जाते हैं, लेकिन फंजाई और एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यस, और लवको में अनेक DS सर्कुलर DNA RNA और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, वही बात, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेनस है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी इनसाइड कई सारे DS सर्कुलर DNA, वो एक रखता लेने कई DNA RNA और राइबोसोम, खुद की प्रोटीन मशीनरी, तो आप समझ सकते हैं कि वहीं से आप देखो इजी वे में समझ सकते हो कि स्वयं की प्रोटीन मशीनरी पाई जाती है, तो सूत्रकणिका की तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है। यस बेटू, और आप समझते हैं इसकी भी स्वतः उत्पत्ति यानी डी नोवो ओरिजिन नहीं हो सकती, डी नोवो ओरिजिन ओनली ERGB की हो सकती है, वो अपन आगे बताएंगे। और आप समझ सकते हैं ये भी पूर्व में उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग लवक में बाइनरी फ्यूजन से आता है। आगे जाकर देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि जो प्लास्टिड है, लवक है, या तो पहले से स्थित प्लास्टिड में डिवीजन हो और वो बाइनरी फ्यूजन शो करेगा उससे आए, या फिर मान लो मेरिस्टेम से स्थायी कोशिका बन रही है, विभज्योतक से स्थायी बन रही है, तो विभज्योतक में तो ये लवक फॉर्म में नहीं है, प्रोप्लास्टिड है, प्रीकसर पूर्ववर्ती नॉन पिगमेंटेड मटेरियल है, तो उस प्रोप्लास्टिड से डेवलप होता है, तो या तो प्लांट सेल में प्रोप्लास्टिड से डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद अगर और रिक्वायरमेंट है तो बाइनरी फ्यूजन से आ जाएगा। यस, तो क्या गजब लाइन है यार, जबरदस्त आपका है, नए प्लास्टिड या तो पूर्वस्थित प्लास्टिड से में बाइनरी फ्यूजन से आते हैं, या फिर नॉन पिगमेंटेड प्रीकसर अर्थात प्रोप्लास्टिड, यानी आप समझ सकते हैं कि प्राक लवक से आते हैं, नॉन पिगमेंटेड प्रीकसर पूर्ववर्ती पदार्थ है, प्राक लवक वहां से आते हैं। यस, क्या है प्राक लवक,
देखिएगा प्लांट में क्या होता है, दो टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक जो उत्तक होता है ना, तो विभज्योतक में कोई फंक्शन नहीं कर सकता, उसमें डिवीजन कैप्सूल में फंक्शन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुतायत से होता है क्योंकि वो उपापचय सक्रिय, लेकिन इसके अलावा ना ईआरजीबी डेवलप होता है, ना प्लास्टिड होता है, ना स्टोरेज होता है वहां पर कोई भी, यस, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं है। स्टोरेज, सिंथेसिस और सिक्रेशन, ये फंक्शन नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये प्रोप्लास्टिड जो मेरिस्टेम में है, प्रोप्लास्टिड, और प्रोप्लास्टिड जो है प्राक लवक। ये प्राक लवक बेटा आप समझ सकते हैं कि नॉन पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड प्रीकर्सर है, ठीक है, यानी अभी इसमें कोई पिगमेंट नहीं है और ये पूर्ववर्ती पदार्थ है और ये विभज्योतक में है। आप अच्छे से समझ सकते हैं मेरे बेटू कि जो विभज्योतक सेल होती है, जैसे मान लो कि सीड, सीड में सीड कोट जो इसकी सुरक्षा करते हैं, और एम्ब्रियो, भ्रूण जो नए पौधे को या भविष्य के पौधे को रखता है। भ्रूण में आप जानते हो कि प्लिम्यूल और रेडिकल, तो ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है। सीड का जर्मिनेशन होगा तो रेडिकल से रूट, वहां तो लाइट ही नहीं जाएगी, विदाउट लाइट आप जानते हो कि क्लोरोफिल तो सिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। और प्लिम्यूल से सूट अबव द ग्राउंड, लाइट मिलते ही प्रोप्लास्टिड से आपका क्या जाएगा, प्लास्टिड। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे आप जानते हो कि सीड का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो अब इस प्रोप्लास्टिड से जैसे ही परमानेंट सेल आएगी, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में है, तो प्रोप्लास्टिड से आपका डेवलप हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। और अगर वो अंडरग्राउंड रेडिकल से मूल बन गई, लाइट की प्रेजेंस नहीं है, तो क्लोरोफिल डेवलप नहीं हो सकता, तो इस प्रोप्लास्टिड से आपका डेवलप हो सकता है ल्यूकोप्लास्ट, एवरणी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टेम होता है, अगर वो साख ही है तो हरा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन वो अगर भूमिगत हो जाए, जैसे आलू भूमिगत तना है, तो आलू कभी ग्रीन नहीं होता ना क्योंकि भूमिगत गया, तो फिर आप जानते उस समय पे ये क्लोरोप्लास्ट ल्यूको में चेंज हो सकता है। और अगर कोई भूमिगत भाग बाहर आ गया तो ल्यूको क्लोरो में चेंज हो सकता है। यार ट्रापा सिंगाड़ा जड़ है ना, लाइट की प्रेजेंस मिलते ही स्वांगीकारी हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है, क्योंकि ल्यूको किसमें हो गया, क्लोरो में, ये इंटरकन्वर्जन पॉसिबल है, यस। और ये आप जानते हो प्रोप्लास्टिड से सीधा, जब मान लो पुष्पी विभज्योतक है और फ्लावर आना है, कलर आना है, तो सीधा डेवलप हो सकता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन मेरे बेटा सबसे स्थायी क्रोमोप्लास्ट ही है, क्योंकि ये किसी में चेंज नहीं होता। देखो ये आप समझ सकते हैं ना, ये क्लोरो भी क्रोमो में चेंज हो सकता है, ये ल्यूको भी आप जानते हैं कि क्रोमो में चेंज हो सकता है, और इससे भी डेवलप हो सकता है, लेकिन क्रोमो कभी भी क्लोरो में चेंज नहीं हो सकता। हरे टमाटर से लाल हो सकता है, हरी मिर्च से लाल हो सकती है, क्या कभी लाल टमाटर से हरा हुआ था? मान लो तुम साइंटिस्ट बन जाओ तो कर दो लाल टमाटर को वापस हरा, है कि नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं उसमें लाइकोपिन होता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये क्रोमोप्लास्ट। तो ये सर्वाधिक स्थायी आपका क्या, क्रोमोप्लास्ट, यस। मैंने टाइप बता दी, अब अपन इसके आ जाते हैं, किसके ऊपर, टाइप के ऊपर आ जाते हैं। अच्छे से और लाइनें आप लिख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा एनाटॉमी से रिलेटेड भी सारी बातें बता दी। नेक्स्ट में अपन आते हैं, लवक संख्या, आकार और आकृति और प्रकार में विभिन्नता दर्शाते हैं, ये भी सेल के अकॉर्डिंग संख्या में भी, आकार में भी, आकृति में विभिन्नता दर्शाते हैं। अतः कोशिका का सर्वाधिक विविध कोशिकांग है, मोस्ट डाइवर्स सेल ऑर्गेनेल्स है। वर्णकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर लवक तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया ना, ल्यूकोप्लास्ट एवरणी लवक, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ये देखिए बेटा ल्यूकोप्लास्ट एवरणी लवक है, एवरणी लवक है, तो यहां कोई पिगमेंट नहीं है, पिगमेंटलेस, वर्णकहीन, पिगमेंटलेस। जब कोई पिगमेंट नहीं है तो कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ठीक है, ना पिगमेंट है ना कलर है, तो फिर क्या फंक्शन है? तो फंक्शन है स्टोरेज, प्लांट सेल में ये स्टोरेज करेगा, सिंक मतलब अंडरग्राउंड पार्ट है, भूमिगत आलू स्टोरेज है ना कार्बोहाइड्रेट का, या जो बीज होते हैं वहाँ स्टोरेज करेगा, जहाँ जहाँ स्टोरेज होता है वहाँ ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक हो गया, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट तो हैं, आप समझ सकते हैं कि पिगमेंट तो हैं, लेकिन आप जानते हैं पिगमेंट यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और जेंटोफिल, कैरोटीन और जेंटोफिल,
ये हो सकते हैं, इनके अमाउंट ज़्यादा है ऑक्सीजन, लेकिन आप जानते हैं क्लोरोफिल नहीं है यहाँ पर, क्लोरोफिल एब्सेंट, आप समझ सकते हैं, क्लोरोफिल यहाँ पर एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, है ना, पर्णहरित नहीं होता है। तो फिर फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो भी फ्लावर होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनको जैसे पकने पर कलर देता है, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन होता है ना, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है। ऐसे और भी कई तो ओनली कलर देने का कार्य करते हैं, सर्वाधिक स्थाई है क्योंकि इसका किसी में भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। अब आप आ जाइए क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, यहाँ पर भी पिगमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो पिगमेंट है ना, तो इसमें क्या हुआ पिगमेंट के अंदर कि क्लोरोफिल की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और क्लोरोफिल आ गया प्रणहरित, ठीक है ना, इसकी अमाउंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और कैरेटिनॉइड हैं लेकिन कम मात्रा में है, दोनों ही प्रकार के हैं लेकिन क्लोरोफिल ज़्यादा है जिससे ये हरे रंग के दिखाई देते हैं, यस। और फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, और आप इसको तो पूरा फोटोसिंथेसिस फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ेंगे, यस बेटू, सारी बात मैंने आपको करवा दी। और ल्यूकोप्लास्ट के फिर स्टोरेज के आधार पर आगे तीन प्रकार जाते हैं, यस, ल्यूकोप्लास्ट के। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इटियोप्लास्ट था, ये प्रोप्लास्टिड प्रीकसर है, और इस प्रोप्लास्टिड प्रीकसर से ये देखो ये डेवलप हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ये देखिएगा ये आपका डेवलप हो गया क्रोमोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है फिर ये थ्री टाइप का है, ये थ्री टाइप का हो गया, आराम से लो बेटा। अगर ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, मान लो विभज्योतक से, विभज्योतक कोशिका में प्रोप्लास्ट था, परमानेंट सेल डेवलप हुई, अगर वो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट, एब्सेंस में तो ल्यूकोप्लास्ट, और स्पेसिफिक टाइम पे क्रोमोप्लास्ट। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम तो क्या है, स्टोरेज, संचय, क्योंकि ना पिगमेंट है ना कलर है। अब संचय तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट का संचय करे तो ये एमाइलोप्लास्ट हो गया, मंड लवक हो गया एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट राइस, चावल है, पोटेटो है, यहाँ सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, वीट है, गेहूं है, यहाँ सब हो गया। ये देखो इलियोप्लास्ट, अगर वसा, फैट या लिपिड को स्टोरेज करता है तो इलियोप्लास्ट हो गया। ये देखो प्रोटीनियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट, अगर मान लो प्रोटीन को स्टोरेज करता है, दालें जो होती है, यस बेटू। और ये आपको बता दिया, देखो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक है कि नहीं है। और हरित लवक आप जानते हो कि दोहरी झिल्ली युक्त साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल्स होती है, हायर प्लांट वहां जो लाइट की प्रेजेंस में रहती है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट वहां पर। और वहां पर देखिएगा कि दो मेम्ब्रेन है, अंदर आप जानते हैं कि स्ट्रोमा भी है और थाइलेकोइड भी है, श्रम विभाजन वहां पर पाया जाता है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, सारी बातें अपन वहां पर करेंगे, यस मेरे बेटू, सारी बात आपके सामने देखे मैंने क्लियर कर दी। और अच्छे से एनसीईआरटी को, कंसेप्ट को आप क्लियर करें, डायग्राम्स को, पॉइंट्स को, क्लियर है ना। अब देखिए मेरे बेटू आगे अपन बढ़ते हैं, हरित लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे बनाते हैं। तो देखो ये जो आपको हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, शाखी पौधा थोड़ा बहुत तने में भी या भाई दल में, लेकिन अगर वृक्ष है तो ऊपर जाकर पत्ती हरी होती है, तो मेनली ये लीप में होते हैं, ये लो जी लीप में, सही। अब देखो इससे पहले बता रखा है कि ये आकार, आकृति और संख्या में विभिन्नता दर्शाता है, संख्या में एक भी हो सकता है क्लेमाइडोमोनास, जैसे एक क्लेमाइडोमोनास सेल जो होती है क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में देखो ये संख्या में कितना होता है बेटा जी, संख्या में क्लेमाइडोमोनास में एक होता है, कप आकार का होता है, संख्या में एक होता है, कप आकार का होता है। जबकि प्लांट में जो मीजोफिल सेल होती है, प्रणमध्योतक कोशिका होती है, तो प्रणमध्योतक कोशिका के अंदर ये 20 से 40 संख्या इसकी हो सकती है, अभी बताएंगे आपको। देखो ये लीफ है, पत्ती है, और ये डायकोट लीफ है, द्विबीजपत्री पत्ती है। अपने इसका क्रॉस सेक्शन लिया तो इसमें देखो ये अपर एपिडर्मिस है एडेक्सियल, ये लोअर एपिडर्मिस है अबेक्सियल, और ये पेलिसेड पेरेन्काइमा, खम्भ मर्दु तक ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, यस। अब ये देखो ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल, तो इस मीजोफिल सेल में, ऐसे आपकी मेजोफिल सेल होती है, ये आपको मैं बता दूं कि इस रूप में आपकी मेजोफिल सेल होती है। इस मेजोफिल सेल में जैसे ये अंदर आप जानते हैं कि ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के परिधीय भाग में, वैक्यूल के परिधीय भाग में आपको कम नजर आएंगे लेकिन देखना है, ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल के परिधीय भाग में ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, यस। तो आपको देखो अच्छे से, फिर सबसे पहले पत्ती ली, डाइकोट डोर्सीवेंट्रल, उसका क्रॉस सेक्शन लिया, माइक्रोस्कोप में दिखाया, तो वो जो डोर्सीवेंट्रल पृष्ठाधारी पत्ती थी, तुम जानते हो उसके अंदर अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल होती है, लोअर एपिडर्मिस अबेक्सियल होती है, बीच में मीजोफिल होता है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंज होने से मीजोफिल में
अनइक्वल लाइट आती है तो डिफ्रेंशिएट होता है। ये आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा है, ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, यस। और देखो ज्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट पेलिसेड पेरेन्काइमा में होते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ ज्यादा होगा, गैस यूनिट में कम होगा। और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वहाँ कैविटी बनेगी और जैसे रंध्र गुहा बनेगी तो वहाँ रंध्र आएंगे, तो वहाँ जानते हो गैस यूनिट में ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस कम होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट संख्या में कम होते हैं। अब आपके सामने ये क्रॉस सेक्शन से अपने लिया तो अपने बता दिया कि मेसोफिल सेल में 20 से 40 इस पेलिसेड पेरेन्काइमा में। ये आपके सामने देखो क्लोरोप्लास्ट, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन वही है ना, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आपकी हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन होगी, दोनों ही सतत होती हैं है ना, कोई फोल्डिंग नहीं होती है। और आप समझ सकते हैं इनसाइड आपका जो पार्ट है उसमें क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर श्रम विभाजन पाया जाता है क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं, थाइलेकोइड पार्ट, ये जो सिक्के के ये चपटा ढेर है थाइलेकोइड पार्ट होता है, और ग्रेना थाइलेकोइड, ग्रेनम और स्ट्रोमा लेमिली ये होता है, और फिर आपका एक फ्लूड पार्ट होता है स्ट्रोमा जहाँ डी ए सर्कुलर डी एन ए आर एन ए राइबोसोम साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के एंजाइम या प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम, लेकिन मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि थाइलेकोइड पे लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी, अपन बढ़ा भी देंगे, यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ संख्या मैंने कहा 20 से 40 मेसोफिल सेल के अंदर। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट का जो व्यास है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है, लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर है। अगर कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका पूछा जाए केंद्र के ऑप्शन में नहीं हो तो क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल सेल के लिए दे दिया जाए तो वहां क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन बन गया ना, बोलो यस। अब देखो आकृति में भी बहुत सारी वेरिएशन है, व्यास में भी है, लंबाई में भी, आकृति में। कपसेप, कपसेप आप जानते हो क्लेमाइडोमोनास में होता है, क्लेमाइडोमोनास में सिंगल होता है और कपसेप होता है, एक उसकी हरा सिवाल है। गर्डल सेप आप जानते हो मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में आपका होता है, स्पाइरल सेप होता है ना स्पायरोगायरा में, रेटिकुलेट होता है जालिका होता है ओडोगोनियम में, स्टार सेप जिग्निमा में ऐसे होता है, और हायर प्लांट सेल प्रण मध्योतक कोशिका में ये लेंस आकार का होता है या डिस्क सेप होता है, लेंस आकार का या डिस्क सेप आपका होता है प्रण मध्योतक कोशिका में, यस बेटू। तो बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ एक एक वर्ड को एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये तो आपको जो जनरल हम क्लास लेते हैं वो फ्रेंड उससे भी ज़्यादा अच्छा, और आप लेकिन आपके दिमाग को ऑन रखना है, पेन को हाथ में रखना है, एनसीईआरटी को साथ में रखना है, वर्ड टू वर्ड आगे बढ़ना है। अगर बच्चा कर गए ऐसे तो बोर्ड टीम में 54 क्वेश्चन आते हैं, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पिछले साल भी हमारे कई स्टूडेंट्स ने पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं, अगर हमारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं सारी बात को। हमारे एक बच्चे के तो 355 नंबर आए हैं, यस उसका बाकी में स्कोर उतना नहीं था लेकिन बोर्ड टीम में उसने पूरे में से पूरे करेक्ट किए हैं, एक जूलॉजी का क्वेश्चन गलत था, यस आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा बेटा ये सारी बात आपके सामने हो गई, अब अपन क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा और स्ट्रक्चर जनरल अपन ड्रा कर लेते हैं, एक मतलब आरेख के रूप में देख लेते हैं। तो देखिएगा यहां मैं आपको बताता हूं वही बात, देखो लीफ डाइकोट है ना पीपल की, मेसोफिल, यस ये मेसोफिल लेयर होगी ना प्रण मध्योतक, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा, ये बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्रॉस सेक्शन लिया, ये सिंगल मेसोफिल सेल है, ये सिंगल मेसोफिल सेल तो आपको मैंने बताया था कि ऐसे मेसोफिल सेल होती है, उसके अंदर आप समझ सकते हो कि ये वैक्यूल होती है और वैक्यूल के परिधीय भाग में यहाँ पर आपके होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो 20 से 40 आपके हो सकते हैं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, बोलो। और अब देखो आपके सामने ये आ गई है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, इसमें आपके आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, मैं सारी बातों को आपको शो कर देता हूँ कि थाइलेकोइड क्या होती है, थाइलेकोइड स्पेस क्या होता है, ग्रेनम क्या होती है, ग्रेना क्या होती है ना, सारी बातें आपके सामने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो देखिएगा आप समझ सकते हैं मेरे बेटू, ये देखिएगा बेटू ऐसे आपके क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम होता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में यहां पर दो मेम्ब्रेन हो गई क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस है, ये लो जी आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ओ सी एम वही अधिक पारगम्य कम चयनात्मक, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आईसीएम, समझ गए ना, ये दोनों के बीच का स्पेस पेरिप्लास्टिडल स्पेस, ठीक है ना, बोलो बेटू। इंटीरियर पे अपन जाते हैं, यहां पर अपन आते हैं और ये देखिएगा ये यहां पर आप समझ सकते हो कि ये आपकी होती है थाइलेकोइड, तो ये ग्रेना थाइलेकोइड, और
दो ग्रेनम के जुड़ने से सिंगुलर ग्रेना होता है, ग्रेनम होता है, सिक्कों का एक ढेर होता है, दो ग्रेनम के जुड़ने से ये आपका हो जाता है स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली। और ये आप जानते हैं कि ग्रेनम और ग्रेना हो गया। ठीक है बेटू, अब आप अच्छे से जानते हैं कि देखो इसमें क्लियर कट श्रम विभाजन आपका पाया जाता है। ये जो पार्ट है थाइलेकोइड पार्ट है, थाइलेकोइड पार्ट, थाइलेकोइड पार्ट, ठीक है ना, थाइलेकोइड पार्ट। ये देखिएगा, ये एक ऐसे ग्रेनम है पूरा, है ना, और आप समझ सकते हैं कि सिंगल आपका ग्रेना, ये सिक्कों का एक ढेर, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन देखो इस प्रकार से होती है कि जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है, सो आपका हो गया, ठीक है, और ये आपकी। अब देखो एक जो ग्रेना की अप्रेस सतह होती है, यहाँ पे भी पिगमेंट होते हैं, पीएस सेकंड होता है, और नॉन अप्रेस्ड पे आपका पीएस फर्स्ट होता है, और स्ट्रोमा लेमिली पे ओनली पीएस फर्स्ट होता है। तो यहाँ आपकी होती है लाइट रिएक्शन, क्या होती है, लाइट रिएक्शन। और ये पिगमेंट्स हैं, आप समझ सकते हैं अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड पे, नॉन अप्रेस्ड पे जो दबी हुई सतह नहीं वहाँ पीएस फर्स्ट, अप्रेस्ड पे पीएस सेकंड, और स्ट्रोमा लेमिली पे ओनली पीएस फर्स्ट। तो ये थाइलेकोइडल पार्ट है, ये झिल्ली में पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, जहाँ होती है लाइट रिएक्शन, सनलाइट एंट्रैप होती है, वही रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, विभिन्न वाहकों में गुजरता है, प्रोटॉन प्रोणता बनती है, वही एटीपी बनती है, एनएडीपी को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एनएडीपीएच2 बनता है, तो स्वांगीकारी शक्तियाँ एनएडीपीएच2 और एटीपी, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन हो जाती है, फिर डार्क का मतलब ये नहीं कि ये मिथ्या है कि वो अंधेरे में थोड़ी होती है, दिन में ही, वो डिपेंड करती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, डायरेक्टली उस सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर लाइट लगातार रुक जाए तो फिर डार्क भी नहीं होगी। तो फिर अपन आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, जो आपका फ्लूड पार्ट है। तो ये जो फ्लूड पार्ट है, तरल भाग फ्लूड पार्ट है, ये आपका होता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर आपका होता है बायोसिंथेटिक फेज, यानी जो डार्क रिएक्शन है, यानी CO2 का फिक्सेशन, केल्विन साइकिल जो भी है, इस स्ट्रोमा के अंदर DS सर्कुलर, DNA, RNA, राइबोसोमो तो होते होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण से संबंधित रुबिस्को एंजाइम आपका होता है, रुबिस्को एंजाइम बहुत्यास से पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। और बाकी आप जानते हो फैट ग्लोब्यूल्स, और ये सारी चीज़ें आपके सामने होती है। अच्छे से आपको मैंने पूरा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपके सामने शो किया है, यस बेटू, है ना, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी तो आप क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ और अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट अपन आपके सामने देखते हैं, अब देखिएगा आपके दोनों जो ऑर्गेनिज हैं, डबल मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज कंप्लीट हो गए, यस बेटू। और अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, देखो सिंगल मेम्ब्रेनस मोस्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन में आ गए, अभी डबल मेम्ब्रेनस हो गए, और कुछ और जो रह गए प्रोक्सोम अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन डिस्कस करेंगे राइबोसोम क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि राइबोसोम, तो देखिएगा बेटा राइबोसोम, तो देखिए बेटा राइबोसोम, आप समझ सकते हैं कि जिसकी खोज करता है जॉर्ज पैलेडे, तो इसको अपन पैलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं, पैलेडे पार्टिकल्स कहते हैं राइबोसोम को। और आप समझ सकते हैं बेटा कि राइबोसोम तो जब से सेल का ओरिजिन है, क्योंकि विदाउट राइबोसोम तो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दर्शा सकती थी, क्योंकि तभी सेल का स्वतंत्र अस्तित्व आया जब प्रोटीन मशीनरी आई, और प्रोटीन मशीनरी में DNA, RNA और साथ में राइबोसोम, क्योंकि DNA अपना इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड यानी mRNA पे छाप देगा, यस, क्योंकि ब्लूप्रिंट ऑफ एंजाइम DNA, लेकिन फिर mRNA पे। अब mRNA धागे पर जब राइबोसोम की छोटी पिकाई और बड़ी पिकाई अगर जुड़ेंगी, तभी प्रोटीन का संश्लेषण होगा, किसी भी एंजाइम का संश्लेषण होगा, और जब एंजाइम, अगर राइबोसोम नहीं तो एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो उपापचय पॉसिबल ही नहीं, इसलिए जीवन का अस्तित्व राइबोसोम के बिना नहीं था, यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि राइबोसोम, वैसे तो देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इन्हें RNP पार्टिकल्स कहते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, RNP पार्टिकल्स। यानी बेटा आप समझ सकते हैं कि राइबोसोम वैसे जनरली कोई ऑर्गेनिज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, झिल्ली परिबद्ध, ये तो पार्टिकल कण है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्रीगेशन है, यानी RRNA, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन दोनों के मिलने से बनता है RNP पार्टिकल। तो मैक्रोमोलिक्यूल जो वर्धन उनका एक एग्रीगेशन है, यस, तो इसको अपन कहते हैं RNP पार्टिकल्स, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अब देखिएगा राइबोसोम के लिए अपन लिखते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनिज, यानी बेटा ये एकमात्र संरचना है या कोशिकांग है जो सभी सेल्स में
इवेन प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की हर लिविंग सेल जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाती है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर कह रहा है मोस्ट प्रिमिटिव सेल ऑर्गेनिज, कि जब से सेल का ओरिजिन हुआ, लिविंग का ओरिजिन हुआ, अपना एग्जिस्टेंस आया, तब से राइबोसोम एग्जिस्टेंस में है प्रोटीन मशीनरी के रूप में। तो आप समझ सकते हैं सबसे आदिम कोशिकांग भी हो गया। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज, आप जानते हैं बेटा सबसे छोटा, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल का एग्रीगेशन है, नैनोमीटर में साइज होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे आप। ठीक है, और ये 10 से 20 नैनोमीटर की जो साइज है, एनसीआर ने साइज भी दे रखी है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में, 15 से 20 नैनोमीटर जो भी है। यस, मेम्ब्रेनलेस ये ऑर्गेनिज है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज है और झिल्ली रहित है, तो सेल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्लियर, अब आप जानते हैं प्रोकैरियोट में तो आप इसकी संख्या आप समझ सकते हैं कि 10,000 तक और यूकैरियोट में तो मिलियन तक इसकी संख्या होती है। ये कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट कोशिका में मुख्यतः 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हाँ, यूकैरियोट में दोनों हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः 80S, और इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, अपन नेक्स्ट इस पर लेते हैं और राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या हैं और भी सारी बातें जो अपन क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा राइबोसोम, ठीक है बेटा, और राइबोसोम के प्रकार। तो जो आप ये दो वर्ड लिखते हो 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, ये क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट एस, एस क्या है बेटा? तो एस तो किसी भी मोलिकुलर, किसी भी मैक्रोमोलिकुलर के डेंसिटी को बताता है, यानी एस तो आपका स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या स्वेडबर्ग नियतांक है, जो इनडायरेक्टली किसी भी मैक्रोमोलिकुल का घनत्व और साइज को बताता है, स्वेडबर्ग नियतांक, ये साइंटिस्ट है, एक यूनिट है एस। अब देखिएगा यहां 70S है, तो 70S में दो सब यूनिट है, दो इकाई है, 50S और 30S। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं सर 50 और 30 को मिला के तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। 50S में कई टाइप के आरआरएनए और प्रोटीन है और 30S में भी, और फिर आपका फॉर्म होता है 70S राइबोसोम। देखो 34 प्रकार के प्रोटीन अणु, 34 प्रकार के प्रोटीन और दो टाइप के आरआरएनए, 5S और 23S, ये मिलकर बनाते हैं 50S। ठीक है, और 30S में 21 प्रकार के तो प्रोटीन अणु और एक प्रकार का आरएनए 16S, तब आपका बनता है 70S राइबोसोम। जनरली ये दोनों पिकाइयां अलग अलग रहती हैं कोशिका में, जैसे अपने आपको मैंने आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बताया था, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो मेम्ब्रेन बताई थी मैंने आपको, तो मेम्ब्रेन से अटैच आपको बताया था 50S, और जब एमआरएनए धागा आया था तो कई राइबोसोम यहां अटैच हो गए थे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बन गया था। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये देखेगा 70S राइबोसोम होगा तो ये छोटी पिकाई है, ये बड़ी पिकाई है, तो ये 50S है और ये 30S है। यहां आप समझ सकते हैं कि 23S और 5S आरआरएनए है, यहां ओनली 16S आरआरएनए। ठीक है ना, मैं आगे और शो कर दूंगा, है ना बेटा। जैसे अपन ऐसे शो करें कि ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, ये 50S है और ये 30S है। ठीक है, इसमें 34 प्रकार के तो प्रोटीन और दो टाइप के आरआरएनए, तो ये दो टाइप के आरआरएनए, यानी ये आप समझ सकते हो कि 23S आरआरएनए है, 23S आरआरएनए, और ये आप जानते हो कि 5S आरआरएनए और यहाँ 16S आरआरएनए। ठीक है ना, ये 80S राइबोसोम, यहाँ भी दो सब यूनिट है, यहाँ पर भी दो सब यूनिट है, 60S और 40S, 40 प्रकार के प्रोटीन, 40 टाइप ऑफ प्रोटीन, तीन टाइप के आरआरएनए, 5.8, 5 और 28, या 30 प्रकार के प्रोटीन और एक टाइप का आरएनए 18S। तो देखो यहाँ पर भी दो सब यूनिट है, क्लियर है कि नहीं है, यहाँ पर भी दो सब यूनिट है आपके, क्लियर, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। यस मेरे बेटू, ये आपकी 60S है और ये आपकी 40S है, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये आपका आरएनए हो गया, ठीक है, 28, ये 5.8 और ये 5, और यहाँ आप समझ सकते हो कि 18S आरआरएनए। यस, तो आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, और एस स्वेडबर्ग यूनिट याद रखना, स्वेडबर्ग कांस्टेंट याद रखना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आप याद रखना। यस मेरे बेटू, केवल एस से आपका क्वेश्चन आएगा, क्लियर। और राइबोसोम बहुत ज्यादा संख्या में ईच और एवरी सेल में पाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूकैरियोटिक राइबोसोम मेनली 80S,
लेकिन कुछ कोशिकाओं में स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड भी मैंने आपको बताया। तो अब यूकेरियोटिक सेल में कितने टाइप के राइबोसोम होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, वो मैं आपके सामने शो करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा, उससे पहले आप समझ सकते हैं कि यहाँ मैं पहले एक बार यूकेरियोटिक राइबोसोम आपको अगले पेज पे शो करता हूँ, फिर अपन पिछले पे चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूकेरियोटिक सेल होती है, यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर फर्स्ट आपका जो राइबोसोम होता है बेटा, क्लियर, ये राइबोसोम होता है 80S प्रकार का राइबोसोम, 80S टाइप। और ये 80S टाइप का राइबोसोम बेटा ER की जो मेम्ब्रेन होती है, ER की मेम्ब्रेन की साइटोसोलिक सरफेस पे, साइटोसोलिक सरफेस ऑफ ER मेम्ब्रेन, अंतःप्रद्युत जालिका की साइटोसोलिक सरफेस पे, ये हमेशा 80S प्रकार का होता है। और इसको आप कहते हो सिक्रेटरी राइबोसोम, यानी स्त्रावी राइबोसोम। अब सिक्रेटरी राइबोसोम है तो बेटा ये जनरली उपापचयिक एंजाइम नहीं बनाएगा, ये आप समझ सकते हैं कि सिक्रेटरी एंजाइम या प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, सिक्रेटरी प्रोटीन या एंजाइम को सिक्रेट करेगा, संश्लेषित करेगा, सिंथेसाइज करेगा, जो कोशिका के बाहर जो गोल्जी बॉडी सिक्रेशन करेगा ना, उनको ये बनाएगा। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन जो समाकलित प्रोटीन है, या लाइसोसोम के एंजाइम, इनको ही बनाएगा, जो ER की सरफेस की साइटोसोलिक सरफेस पे ER की मेम्ब्रेन के ATS सिक्रेटरी राइबोसोम हो गया। इसके बाद में आपका सेकंड राइबोसोम होता है लोकल राइबोसोम, लोकल राइबोसोम बोल देते हैं, या इसको अपन बोलते देते हैं साइटोसोलिक राइबोसोम। यूकेरियोटिक कोशिका के जो आप समझ सकते हैं बेटा कि जीवद्रव्य में साइटोसोलिक राइबोसोम, और ये साइटोसोलिक राइबोसोम भी ऑलवेज ATS होता है। इसलिए अगर परफेक्टली ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि यूकेरियोट की ER मेम्ब्रेन पे या यूकेरियोट की कोशिका द्रव्य में कौन सा राइबोसोम होता था 80S, लेकिन देखो ये लोकल राइबोसोम होता है तो ये लोकल प्रोटीन, लोकल प्रोटीन, यस बेटू मैं यहां बात करता हूं, लोकल प्रोटीन या लोकल एंजाइम, यानी बेटा आप समझ सकते हैं कि जो उपापचयिक एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम होते हैं, ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका ATS टाइप का होता है। फिर आपका एक होता है ऑर्गेनलीज विथिन ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज विथिन ऑर्गेनलीज, यानी कोशिकांग के भीतर कोशिकांग, ये आपका होता है, ये 70S होता है केवल, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर आपका पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में ये 70S होता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं 80S 70S, दोनों आंसर दोनों हो जाएगा। यूकेरियोटिक कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है केवल 80S, यूकेरियोट के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है 80S, यूकेरियोट की ER की मेम्ब्रेन में पाया जाता है 80S, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है 80S, यस बेटू। और अब आप देखिएगा, अब अपन पीछे की स्लाइड पे आते हैं, क्लियर। तो पीछे की स्लाइड पे आते हैं तो ये देखिएगा राइबोसोम के स्ट्रक्चर में लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दोनों पृथक पृथक रहती हैं। जैसे ही mRNA का धागा आता है तो ये mRNA के धागे पर जब मैग्नेशियम आयन की सांद्रता 0.001 m, मैग्नेशियम आयन की सांद्रता 0.001 m पहुंच जाती है, तो इस mRNA धागे पर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, जैसे मान लो कि 30S, सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, यस बेटू, जैसे ये धागा है तो इस पर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, फिर लार्ज सब यूनिट, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोट में तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, और यूकेरियोट में एक धागे पर एक ही राइबोसोम, ठीक है, ATS राइबोसोम, यस, क्योंकि मोनोसिस्टोनिक जीन होती है या पॉलीसिस्टोनिक जीन होती है। यूकेरियोट में एक एंजाइम की सूचना, एक बार एक एंजाइम की सूचना आती है, और प्रोकैरियोट में एक से ज्यादा एंजाइम की सूचना आ जाती है, इसलिए ज्यादा राइबोसोम एक धागे पर जुड़ जाते हैं, उसको पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम आप कहते हैं, यस। और आप जानते हैं ये जो लार्ज सब यूनिट होती है, जैसे ये mRNA का धागा है, यस बेटू आप ध्यान से सुना आराम से, जैसे ये mRNA का धागा है, धागा है, इसके ऊपर आप जानते हैं पहले स्मॉल सब यूनिट हो गई, स्मॉल सब यूनिट, अब देखिएगा ये लार्ज सब यूनिट है, तो यहाँ दो साइट होती है, ए साइट और पी साइट, है ना, पी साइट में होता है पेप्टाइडल ट्रांसपेरेज, पेप्टाइडल ट्रांसपेरेज, और एक उत्प्रेरक एंजाइम है, ये एक ऐसा आरएनए जो उत्प्रेरक एंजाइम है, पेप्टाइडल ट्रांसपेरेज, जो आप जानते हैं कि ए साइट पर जैसे ही कोडोन की सूचना आती है, एमिनोसिड आता है, फिर एमिनोसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इंजन ऑफ सेल प्रोटीन मशीनरी, आपका क्या राइबोसोम, क्लियर बेटू।
तो इस प्रकार अपने पूरी चीज क्लियर की, राइबोसोम की क्लियर है ना। और अब आप आगे बढ़ते हैं किस पे, साइटोस्केलेटन पे, क्लियर। हाँ तो डिस्कस करते हैं कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन। देखिए बेटा जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है इनसाइड, आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म हैं, कोशिकांग हैं। अब उनकी पोजीशन क्या हो, उनमें मूवमेंट हो तो कैसे हो, और इनसाइड से जब इतने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, इतनी संरचनाओं का समूह है, तो उनको अलग अलग पोजीशन या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को एक ट्रैक कि जिस साइड जीबी आ जाए तो दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं हो, और एक पूरा ट्रैक ईआर जीबी वैक्यूल फिर मेम्ब्रेन ताकि सिक्रेशन हो सके और टारगेट तक गोल्जी बॉडी मैक्रोमोलिक्यूल को उनके टारगेट तक पहुंचा सके। तो इनसाइड सेल की अंदर से सेल की सेप को मेंटेन करने के लिए, आकृति को अंदर से नियमन करने के लिए प्रोटीन तंतुओं का एक जाल फैला होता है जिसको आप कहते हैं साइटोस्केलेटन, कोशिका कंकाल। प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका कंकाल तीन सुप्रव्यवस्थित तंतुमय संरचनाओं का बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लाइन है एनसीईआरटी की, नीट 2016 में कई बार क्वेश्चन आया है कोशिका कंकाल क्या है, तो एन इलाबोरेट ए इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ प्रोटीनस फिलामेंट्स इन साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोस्केलेटन, यानी विस्तृत जालिकावत प्रोटीन युक्त तंतुओं का एक जाल जो कोशिका के अंदर होता है, फैला होता है, उसको आप कोशिका कंकाल कहते हैं। दो तीन बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, केयूपीआई में क्वेश्चन आ गया। यस बेटू, अब बात करते हैं कि कोशिका कंकाल तीन सुपरिभाषित तंतु में संरचनाओं का बना होता है, यानी वो प्रोटीन फिलामेंट कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। उसके पश्चात आप जानते हो माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतुक, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मध्यवर्ती फिलामेंट। यस, अब देखिए मेरे बेटों, यहां अपन आपके सामने स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोफिलामेंट को आप जूलॉजी में जब मसल की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो देखिए यहां पर ये आपका जो एक एपिथेलियल सेल, उपकला ऊतक की एक एपिथेलियल सेल का डायग्राम है, एनिमल सेल का डायग्राम है। इसमें देखिएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये लाइसोसोम है, मेम्ब्रेन तक देखो एक ट्रैक दे रहा है। अब देखिएगा ये माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई है ना, माइक्रोविलाई सूक्ष्म अंग। अब माइक्रोविलाई के अंदर देखो ये एक्टिन मोनोमर है। एक्टिन मोनोमर के आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में बेटा ये जो आपको फैले हुए हैं ये ठोस फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। फिर देखिएगा ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और ये जो एक ट्रैक दे रहा है यहाँ पर देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं जिसमें अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन है, मोटर प्रोटीन भी है ना। ये तो ये कंप्लीट आप जानते हो कि एपिथेलियल सेल में है। ऐसे देखिएगा ये नर्व सेल है, न्यूरोन, तो नर्व सेल में ये आप समझ सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट देखो जो डेंड्राइड्स होते हैं, यहाँ देखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये मोटर प्रोटीन है इनके, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो जूलॉजी में आप जब नर्व सेल के स्ट्रक्चर पढ़ोगे है ना, उसके एक्सोन डेंड्राइड सारे पार्ट देखोगे, एपिथेलियल सेल का डायग्राम पढ़ोगे, यस, और देखो इस डिवाइड होती है, एनिमल सेल है, डिवाइडिंग एनिमल सेल है, जहां आप जानते हो कि जब वो सेल फ्रो मेथड होता है, खांच विधि बताएंगे तो एक्टिन फिलामेंट के कॉन्ट्रैक्टल रिंग बताएंगे अपन, संकुचनशील वाले, ठीक है। लेकिन खैर अलग अलग अपन सबको डिफाइन करेंगे, आप देखिएगा। तो बेटा देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आप समझ सकते हैं कि होती है सूक्ष्म नलिकाएं। बताओ किस प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में ओनली, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन की सब यूनिट होती है, तो ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से एक डाइमर बनता है, लेकिन ये हेटरोडाइमर हो गया, हेटरोडाइमर क्योंकि दो टाइप की सब यूनिट हो गई, अल्फा और बीटा। फिर आप जानते हो कि अल्फा बीटा जो सब यूनिट होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, फिर आप समझ सकते हो कि इनसे कई सारे ऐसे आ जाएगा तो प्रोटोफिलामेंट बन जाएगा, और फिर आप समझ सकते हो कि 13 जो प्रोटोफिलामेंट से आपकी माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनती है। ये सारा देखो आपके सामने मैं क्लियर करता हूँ डायग्राम के थ्रू, आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिएगा माइक्रो ट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं, तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बात करूँ मैं तो ट्यूबुलिन डाइमर यानी अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन दो सब यूनिट हो गई, तो हेटरोडाइमर हो गया, हेटरोडाइमर, ठीक है। तो देखो अपन ऐसे कहते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन, फिर अपन निकालते हैं अल्फा ट्यूबुलिन, अपन निकालते हैं
बीटा ट्यूबुलिन, प्लस एंड और माइनस एंड आप समझ सकते हैं। फिर ये दो सब यूनिट हो गई, ये हेटरोडाइमर बन गया, क्लियर। और ये हेटरोडाइमर बन गया, ये देखिएगा कि हेटरोडाइमर बन गया। अब ऐसे कई जब आपके डाइमर बनते हैं, जैसे आप समझ सकते हो ऐसे ऐसे कई, मैं एक ही कलर से शो कर देता हूं, कई सारे आपके हो गए, तो प्रोटोफिलामेंट। और आप जानते हैं प्रोटोफिलामेंट बनता है तो फिर जब 13 प्रोटोफिलामेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 प्रोटोफिलामेंट आते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 प्रोटोफिलामेंट आते, तो ये आपका हो गया क्या, माइक्रोट्यूबुल, जिसका आउटर डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, सबसे ज्यादा डायमीटर 25 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन आता है 25 नैनोमीटर, और वाल की थिकनेस 4 नैनोमीटर। जैसे आप एक पेन की रिफिल पे आओ, पेन की रिफिल से आप इंक को अलग कर दो, पेन की रिफिल अंदर से होलो है ना, लेकिन सॉलिड है, और होलो सॉलिड सिलेंड्रिकल है, और वो देखो वाल है ना प्लास्टिक की वाल, तो ये माइक्रोट्यूबुल ऐसे प्लास्टिक की वाल पे ऐसे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन, ठीक है, और आपको एक बिल्कुल सिलेंड्रिकल एक होलो खोखली एक नलिका बन जाएगी, इसको आप कहते हो सूक्ष्म नलिका, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स होती है, आप समझ सकते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स स्पिंडल तर्कुतंतु माइक्रोट्यूबुल के बने होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन एक लग गए हेटरोडाइमर आपके होते हैं, अल्टरनेट होती है, यस। और इसके अलावा आप जानते हो कि ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुल से और क्या बनता है, स्पिंडल बनते हैं, आप समझ सकते हैं कि सेल प्लेट फॉर्मेशन में यूज होता है, और भी कई फंक्शंस हैं, क्लियर है। और आप समझ सकते हैं, देखिएगा नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट, ये सॉलिड रस्सीनुमा होते हैं और सॉलिड होते हैं, यहाँ देखिएगा कि ऐसे गुथे होते हैं, और इसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, ठीक है ना। और आप समझ सकते हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती है, आप समझ, इसमें देखिएगा कोई कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ना, तो पेशी संकुचन में ये आपका यूज होता है एक्टिन फिलामेंट, यस। ये भी प्लांट हो चाहे एनिमल सेल हो, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ज्यादातर एनिमल सेल में, वो प्लांट एनिमल दोनों में, ठीक है। और तर्कु तंतु निर्माण में वो यूज होता है, ये एक्टिन फिलामेंट संकुचनशील वाले, ठीक है ना बेटू। अब देखिएगा इससे पहले आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होता है, जो क्रिएटिन होता है, लैमिन होता है, बस इतना आप याद रखें, साइटोस्केलेटन को सफिशियंट होगा, ज्यादा मैटर आपको अपन यहाँ आपको वाइड नहीं करेंगे, यस बेटू। अब देखिएगा अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपना है तारक काय, सेंट्रोसोम। आप जानते हैं कि तारक काय वैसे तो एनिमल सेल का करेक्टर है, लेकिन ऑल प्लांट में एब्सेंट ये नहीं बोलेंगे, कुछ लोअर प्लांट सेल होती है, जैसे आप समझ सकते हो कि फंजाई और एलगी में जूस स्पोर बनते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो नरयुग्मक होता है एंथ्रेजोइड, इट मीन वो यूकेरियोटिक कोशिका जहां सीलिया फ्लैजिला होगा वहां ये भी होगा। और आप ध्यान देना, यहां से टॉपिक को कनेक्ट करना साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, और फिर अपन नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे आपके सीलियम फ्लैजिलम, और फिर आप जानते हैं अपन न्यूक्लियस पर उन पर बढ़ेंगे, यस बेटू। तो बहुत तरीके से आप ध्यान रखना कि भाई सेंट्रोसोम, मैं आपसे कहूं कि ये सभी एनिमल सेल्स में और कुछ लोअर प्लांट के एसेक्सुअल स्पोर यानी जू स्पोर चल भी जाणू, और जो गैमिट्स होते हैं नरयुग्मक जो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा का, बाकी हायर प्लांट सेल में उच्च पादप कोशिका एंजियोस्पर्म में कभी भी सेंट्रोसोम नहीं होता। तो फिर आप कहोगे सर सेंट्रोसोम नहीं होता तो तर्कुतंतु कैसे बनेंगे, डिवीजन कैसे होगा, अरे भाई वहां पर एमटीओसीएस कोई अदर होता है, एमटीओसीएस माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, सूक्ष्म नलिकीय उद्भवन केंद्र माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, वहां कोई और होता है मेम्ब्रेन पे होता है उनपे एमटीओसीएस, तो वहां सूक्ष्म नलिकाओं का जमावड़ा हो जाता है, तर्कु बन जाते हैं। और यहाँ पर जो एमटीओसीएस है यानी ये एनिमल सेल के एमटीओसीएस है, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, जनरली आप जानते भी मेम्ब्रेनलेस होता है, और दो सेंट्रियोल जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है 0.5 माइक्रोमीटर लेंथ की होती है रोड लाइक स्ट्रक्चर, और दो सेंट्रियोल जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं, दो सेंट्रियोल जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती हैं, तो आप जानते हो कि सेंट्रोसोम फॉर्म होता है। और ध्यान दीजिएगा, फिर से बताता हूं, दो सेंट्रियोल, ये दो सेंट्रियोल हो गई, अलग कलर से बताता हूं, और ये दो सेंट्रियोल जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर
ये लो जी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होती है, यानी लंबवत 90 डिग्री एंगल पे। तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर टू सेंट्रियोल अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री एट राइट एंगल, ठीक है। और इसके चारों ओर आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, मेम्ब्रेन नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल। और ये इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल आपका होता है पीसीएम, पेरी सेंट्रियोलर मैटर, पेरी सेंट्रियोलर मैटर होता है, क्लियर। और यहां आप जानते हो कि एस्ट्रल रेज होती हैं, एस्ट्रल रेज होती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, दो सेंट्रियोल रोड लाइक एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर अरेंज होती है, ठीक है। और सूक्ष्म नलिकाओं की सेंट्रियोल बनी होती है, नलिकाकार होती है, रोड लाइक होती है, 0.5 मीटर इसका होता है, चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलर मैटर होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल, यानी सेंट्रोस्पियर में, सेंट्रोस्पियर काइनोप्लाज्म में आपका हो गया। तो ये बेटा आप जानते हो, देखो एनिमल सेल हो गई, ये देखो सेंट्रोसोम हो गया, और यहाँ ये आप जानते हैं कि सेंट्रियोल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे है। अब अगर अपन एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन लें, तो वही आप जानते हो रिफिल की तरह, और क्रॉस सेक्शन है तो लंब एक्सिस के पैरेलल आपको इसका कार्टव्हील स्ट्रक्चर आएगा, यानी 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल परिधि भाग में, और सेंट्रल हब जो होगा धुर्री वो ठोस प्रोटीन का होगा, वहां कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगी। और वो एक सेंट्रियोल आपका 9 ट्रिपलेट प्लस 0 ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगी। तो वो आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा, यस बेटू, ये देखिएगा कि अपन कार्टव्हील स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, यस। अपन ने यहां पर एक सेंट्रियोल का, ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन लिया, क्रॉस सेक्शन लिया तो इस सेंट्रियोल का 3D डायग्राम अगर अपन देखें तो लंब अक्ष के पैरेलल माइक्रोट्यूब्यूल जो परिधि भाग में है, यस, और वो ट्रिपलेट फॉर्म में है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में है, जैसे ए बी सी। लेकिन आप जानते हो कि जो ट्रिपलेट फॉर्म में है उसमें से आप समझ सकते हैं बेटा कि ट्रिपलेट फॉर्म में उसमें से एक ही कंप्लीट है, क्लियर। यहां पर बड़ा एक ही आपकी कंप्लीट है 13 प्रोटोफिलामेंट के साथ, दो इनकंप्लीट है और आपस में जुड़ी है इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, तो ऐसे, क्लियर, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ऐसे 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन पेरिफेरल रीजन, और सेंटर पे आपका ये सेंट्रल हब है। जैसे आपने पुराने टाइम पे लकड़ी का वाला पहिया देखा होगा, साइकिल का लकड़ी वाला पहिया, तो सेंटर पे एक धुर्री होती थी, हब जो ठोस प्रोटीन का होता था, और चारों तरफ आपकी परिधि होती थी, ठीक है। तो परिधि के ऊपर 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही। और आप जानते हैं कि सेंट्रल पे सेंट्रल हब, सेंट्रल हब जहां ठोस प्रोटीन, सेंट्रल हब पे 0 माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये अरेंजमेंट होगा 9 ट्रिपलेट पर 0। अभी जो 9 ट्रिपलेट है ये 9 रेडियल स्पोक, अरे ताड़ियां, ताड़ियां आती है उसमें, अरे ताड़ियां, तो यहां पर आपकी होती है 9 रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक हो गई। तो ये आपकी हो गई कार्टव्हील स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना, ये सेंट्रियोल की। और आप जानते हो सेंट्रियोल क्या बनाती है, समझ गए ना, सेंट्रियोल क्या बनाती है, सीलिया फ्लेजिला का बेसल बॉडी। तो अपन सीलियम फ्लेजिलम पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक्जोनी में, और यहां आप समझ सकते हैं कि बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी में आपका 9 ट्रिपलेट प्लस 0 होगा, और जो एक्जोनी में होगा वहां अपन पढ़ेंगे 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, यानी 11 माइक्रोट्यूब्यूल, जो 9 प्लस 2 संगठन आपका सीलियम फ्लेजियम में होगा, यस मेरे बेटू, क्लियर है ना। तो अपन ने सारी बात डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, प्लास्टिड को डिस्कस किया, फिर एक मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम को डिस्कस किया, साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया, सेंट्रोसोम को। अगले एपिसोड में सीलियम फ्लेजिलम, जो भी पेरोक्सिसोम ये है, इसके अलावा आप समझ सकते हो न्यूक्लियस, और उसके बाद अपन सेल साइकिल या डिवीजन पे जाएंगे मेरे बेटू, क्लियर। यहां तक के जो क्वेश्चंस हैं आप इजी वे के अंदर क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना, 2009 में भी आया था, कोशिका कंकाल किसका बना होता है, सेलोजिक सूक्ष्म तंतुओं का, नहीं जी, कैल्शियम कार्बन कणिकाओं का, नहीं जी, प्रोटीन तंतुओं का, सेकंड आंसर। उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है, यार स्ट्रोमा में क्या होता है, प्रकाश निर्भर एंजाइम, यानी लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेड डार्क फेज आपका होगा, बोलो बोलो। निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है, अरे भाई अपना डीएनए कौन रखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तो यहां जो ऑप्शन में होगा वो होगा। सारे क्वेश्चन आप इजी वे में, कोई भी क्वेश्चन आपका अटक जाए, सिंगल क्वेश्चन अटक जाए इस थ्योरी के बाद,
तो मुझे कहना, जब 10 साल के क्वेश्चन ये अटक रहे हैं तो मेरे बेटू 21 का क्वेश्चन कैसे अटकेगा। विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, जुड़िए, एनसीईआरटी पास रखिए, आपके साथ हम हैं, आप जीतेंगे, आपके सपनों को सही पहचान मिलेगी, आपको उड़ान मिलेगी, आपको एक टॉप रैंक मिलेगी। यस बेटू, बहुत मिस कर रहा हूं मैं आपको, और आपको एक टॉप रैंक के साथ जब आप सेलेक्ट होंगे तो मेडिकल कॉलेज में आपसे मिलने आए, आपके घर पे हम आएंगे, एक बढ़िया सा शानदार सा प्रोग्राम और बिल्कुल पूरे घर में खुशी। क्या उन खुशियों को देखना चाहते हो? तो आइए हमारे साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इन इंटरेक्टिव क्लासेज पे, पूरा कंसेप्चुअल डायग्रामेटिक, और उसी के साथ एंजॉय सेल बायोलॉजी, एंजॉय बायोलॉजी इट मीन जीव विज्ञान, और इसी के साथ वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।